डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। हाय फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है यदि a बराबर रूट पाँच प्लस एक बटे रूट पाँच माइनस एक और b बराबर रूट पाँच माइनस एक बटे रूट पाँच प्लस एक है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू दे रखी है और फिर एक हमें समीकरण दे दिया हुआ है, उसका मान ज्ञात निकालना है। तो देखिए हम लिख लेते हैं a बराबर क्या दिया है, रूट पाँच प्लस एक बटे रूट पाँच माइनस एक, और b बराबर क्या दिया हुआ है, रूट पाँच माइनस एक बटे रूट पाँच प्लस एक, ठीक है। और हमें किसका वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो देखिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, हम ये पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर मैं a प्लस बी पहले निकाल लूँ, a प्लस बी अगर निकाल लूँ तो ये क्या आ जाएगा, रूट पाँच प्लस एक बटे रूट पाँच माइनस एक प्लस रूट पाँच माइनस एक बटे रूट पाँच प्लस एक। तो देखिए यहाँ पे पहले ये मैं क्या करूँगा, इसका लघुत्तम ले लूँगा तो ये कितने आ जाएगा, रूट पाँच प्लस एक का वर्ग प्लस रूट पाँच माइनस एक का वर्ग बटे रूट पाँच माइनस एक गुणे रूट पाँच प्लस एक, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। अब मुझे देखिए यहाँ से ये क्या आ जाएगा, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी है, यानी कि a प्लस बी गुणे ए माइनस बी या फिर a माइनस बी गुणे ए प्लस बी होता तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये मेरा समीकरण क्या आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पे अंश में कुछ a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये भी हम सूत्र लिख लेते हैं, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे अगर ये देखें कि कौन कौन सी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू जुड़ेगी कौन कौन सी वैल्यू घटेगी, तो ये क्या आ जाएगा, रूट पाँच का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर यानी एक प्लस दो रूट पाँच प्लस रूट पाँच का स्क्वायर प्लस एक माइनस दो रूट पाँच, ठीक है, क्योंकि माइनस दो ए भी आएगा बटे ये क्या हो जाएगा, रूट पाँच का स्क्वायर यानी कि पाँच और एक का स्क्वायर यानी कि एक यानी कि पाँच माइनस एक। तो देखिए यहाँ से ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, रूट पाँच का स्क्वायर है ये और ये दो बार है तो ये मैं दो बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पे रूट पाँच का स्क्वायर है तो मैं पाँच लिख लूँ, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, दो रूट पाँच प्लस में है एक बार माइनस में है और ये एक प्लस एक दो हो जाएगा तो मैं इसको बाहर ले लेता हूँ, दो को मैंने बाहर ले लिया दोनों से ही तो ये आ गया दो बाहर लिया पाँच प्लस एक मेरा बाहर हो गया और ये आ गया पाँच माइनस एक यानी कि चार तो मैंने दो से इसको कट कर दिया तो ये आ गया दो यानी कि ये आ गया पाँच प्लस एक छः, छः बटे दो यानी कि आ गया तीन। मेरी वैल्यू कितनी आ गई a प्लस बी की, ये वैल्यू किसकी है, a प्लस बी बराबर क्या है, तीन आया है, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखते हैं a इंटू बी निकाल लूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे ए बी दिया हुआ है तो ए बी निकाल लूँ और मुझे पता है कि ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकता हूँ और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। अब देखिए अगर मैं ये लिखना है तो ए प्लस बी निकाल दिया मैंने, ए इंटू बी निकाल लेता हूँ तो ए बी मेरा कितना आ जाएगा बताओ, रूट पाँच प्लस एक बटे रूट पाँच माइनस एक गुणे बी मेरा कितना है, रूट पाँच माइनस एक बटे रूट पाँच, ये देखिए ये केवल पाँच में ही लगा हुआ है रूट, ठीक है, और हर में कितना है, रूट पाँच प्लस एक, ठीक है। तो देखिए यहाँ से रूट पाँच प्लस एक, रूट पाँच प्लस एक कट जाएगा, रूट पाँच माइनस एक, रूट पाँच माइनस एक कट जाएगा तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ए गुणे बी की वैल्यू एक आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई और ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब देखिए मैं समीकरण में लिख देता हूँ,
तो यहाँ से ये मेरा समीकरण क्या था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी लिख सकता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये सूत्र भी मैंने लिख दिए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये और हर में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी, ठीक है। और ये मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस बी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, ये कितनी है तीन, तो तीन का वर्ग माइनस, और ए बी का वैल्यू कितनी आई है, एक आई है, तो एक लिख लिया हमने वैल्यू। और हर में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि तीन का स्क्वायर और माइनस थ्री ए बी यानी कि तीन गुणे एक, तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तीन का वर्ग यानी कि नौ, नौ माइनस एक बटे नौ माइनस तीन, ये वैल्यू आ जाएगी नौ माइनस एक यानी कि आठ, और नौ माइनस तीन यानी कि छः, 8/6 या फिर 4/3। तो मेरा आंसर आ गया 4/3। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे सही उत्तर है। थैंक यू। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।